हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के और भी टाइप्स होते हैं, और भी तरीके होते हैं जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि एग्जैक्ट ना हो, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट नहीं होते हैं, या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में तो होते हैं, बट डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उनको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की का यूज़ करके ये हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पार्ट वन हमें हमने एक एक पार्ट एक तरीका ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। यहाँ हम लोग दूसरा तरीका देखने वाले हैं, तीन तीन और तरीके देखने वाले हैं एक्चुअल में। तो दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका है इफ डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम, ठीक है, यदि हम जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यूज को इस फॉर्म में रखते हैं, और यदि इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी फंक्शन ऑफ वाई हो, ठीक, मतलब वाई के फॉर्म में आए, इसका जो आंसर आया वो वाई के फॉर्म में आए, देन हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक। आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सॉल्व y टू द पावर 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 4 माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो m dx प्लस n dy के फॉर्म में है, ठीक है, m dx प्लस n dy के फॉर्म में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं, पहले सबसे पहले हम m यहां से ले लेते हैं, m की वैल्यू क्या है y टू द पावर 4 प्लस 2y, और n की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 4 माइनस 4x। हम m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 4y क्यूब प्लस 2, एंड डेल एन बाई डेल एक्स निकालने पे हमें मिल रहा है वाई क्यूब माइनस 4। अब हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड ऑफ कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब नॉट एग्जैक्ट के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि मैं यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रही हूँ तो इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप यूज करें, आप इससे पहले भी जो मैंने बताया है या आगे भी मैं जो बताने वाली हूँ उनमें से किसी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप यूज कर सकते हैं, ठीक। आपको जिस भी जो भी ऐसा लगता है कि हाँ ये यूजफुल होगा तो आप उस भी उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करें। चलिए अभी तो हम लोग इसलिए इसी का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें हम मुझे आपको समझाना है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे काम करता है, ठीक, ये फंक्शन कैसे काम करता है। तो हमने डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई एम किया, हमने वैल्यूज रखी उसमें, वैल्यूज रखने पे हमें देखिए ये वाई क्यूब माइनस 4 माइनस 4y क्यूब माइनस 2 अपॉन क्या आ रहा है एक्स वाई क्यूब प्लस 2y, सॉरी y टू द पावर 4 प्लस 2y, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है माइनस 3y क्यूब माइनस 6 अपॉन y टू द पावर 4 प्लस 2y। अब यहाँ नीचे क्या है, y कॉमन है और ऊपर 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे दोनों को कॉमन लेने पे ये जो वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, वाई क्यूब प्लस 2 वाई क्यूब प्लस 2 कैंसिल हो जा रहा है और वैल्यू आ रही है माइनस 3y जो कि फंक्शन ऑफ y है, ठीक, y का एक फंक्शन है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में रखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे वैल्यू रखने पे हमें 1 अपॉन y का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log y मिलेगा। अब यहाँ सामने क्या है, माइनस 3 है, माइनस 3 कहाँ चला जाएगा, y के पावर में चला जाएगा, तो आ गया log y माइनस 3 जिसको हम लोग 1 अपॉन y क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है जो समझ में ना आए। तो मैं नेक्स्ट तरीके पे जाती हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के। तो नेक्स्ट तरीका क्या है, इफ द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक
ठीक है, इफ द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस सच दैट एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, देन वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक, तो सबसे पहले हमको यदि ये इक्वेशन देता है और हम लोग देखते हैं कि एम एक्स प्लस एन वाई फाइंड करके देखते हैं, यदि वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो हम क्या फॉलो करेंगे, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे. तो देखिए, सॉल्व डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल था. हमने पहले इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लेके आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होके माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो. यहां से एम और एन हमने देखा कि क्या था, हमने एम एक्स प्लस एन वाई में उसकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने पे हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स क्यूब जो कि इज नॉट इक्वल टू जीरो है. तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं क्या, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो कि वैल्यू आ रही है वन अपॉन एक्स क्यूब. ठीक, अब सिर्फ इतना ही नहीं करना था, हमें क्या करना था, जो इक्वेशन दिया हुआ था ठीक है उसमें क्या करना है, हमको दोनों साइड पे वन अपॉन एक्स क्यूब का मल्टीप्लीकेशन करना है. तो मल्टीप्लीकेशन किया हमने वन अपॉन एक्स प्लस, क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे, ये था क्वेश्चन. ठीक, इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया वन अपॉन एक्स क्यूब का, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब करेंगे तो वन अपॉन एक्स बचेगा, फिर वाई स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स माइनस, फिर क्या है हमारे पास में, माइनस एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ में एक्स क्यूब का वन अपॉन एक्स क्यूब का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा डी वाई. ठीक है, विच इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा. और इससे पहले मैंने आपको उसके बाद का सॉल्यूशन नहीं बताया था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट प्रूफ हो जाए, जब वो एग्जैक्ट बन जाए, तो एग्जैक्ट बनने के बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. और सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एम सॉरी एन डी वाई इज इक्वल टू सी. ठीक है, जहां ये जो पार्ट रहता है वहां y कांस्टेंट होता है और इस पार्ट में टर्म्स फ्री फ्रॉम x, इस ये पार्ट्स क्या करना पड़ता है, x के टर्म्स से फ्री करना पड़ता है हमको, वहां x के टर्म्स हम यूज नहीं करते हैं, उसे हम लोग इग्नोर करते हैं. तो यहां जो m की वैल्यू थी हमने रखी dx माइनस n की वैल्यू हमने रखी, अब देख रहे हैं हम कि n की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग इसे नहीं लेंगे, इस टर्म को हम नहीं लेंगे. ठीक है, उसको जीरो ले लेंगे क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म्स थी. अब यहां देखो वन अपॉन एक्स, तो यहां क्या हो गया, वन डीएक्स को अंदर मल्टीप्लीकेशन करने पे डीएक्स अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या करना है, वाई को कांस्टेंट लेना है, तो हमने कांस्टेंट लिया उसको. उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में क्या था, एक्स स्क्वायर के टर्म्स थे इसलिए उसको हमने इग्नोर कर दिया, हमने जीरो ले लिया उसको सीधे. फिर जब हम उसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, वन अपॉन एक्स क्यूब का क्या होगा, वन अपॉन एक्स क्यूब को आप क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर माइनस थ्री रखोगे, और एक्स टू द पावर माइनस थ्री का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, जो कि क्या हो गया, एक्स टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू. ठीक, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर और यहां माइनस का साइन. ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये आएगा एक्स टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक, तो उससे क्या हो गया, ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी. चलो ये क्लियर हो गया होगा. अब तीसरा तरीका देखते हैं हम लोग, तीसरा तरीका क्या है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो,
is not exact, then it can be made exact. ठीक, by multiplying x to the power alpha into y to the power beta both sides. ठीक, यदि ये जो फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एग्जैक्ट नहीं है, तो उस केस में हम उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें x टू द पावर अल्फा इंटू वाई टू द पावर बीटा का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. अल्फा एंड बीटा आर फाउंड आउट फ्रॉम डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स. अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाउंड कर सकते हैं हम, इस कंडीशन से फॉलो किया जा सकता है. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है सॉल्व y क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो. अब हम देख रहे हैं कि ये किसके फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है. हमने m की वैल्यू कंपेयर करके निकाल ली और n की वैल्यू भी निकाल ली. अब हम लोग क्या करते हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे. वाई क्यूब क्या हो जाता है, थ्री वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर वाई कितना होगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, वाई वन हो जाएगा. यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, ये आ जाएगा टू वाई स्क्वायर और ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर. ठीक, अब हम देखते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, मतलब नहीं है एग्जैक्ट. ठीक है, तो जब ये एग्जैक्ट नहीं होता तो क्या करना है हमको, दोनों साइड पे क्या करना है, एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा का मल्टीप्लीकेशन करना है. किसमें, इक्वेशन में. ठीक, तो हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स द एबो डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एक्स टू द पावर अल्फा इंटू एक्स वाई टू द पावर बीटा सो दैट इट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एम वन डी एक्स प्लस एन वन डी वाई. अब देखो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो आएगा उस फंक्शन को हम मान रहे हैं एम वन और एन वन मान रहे हैं. तो पहले तो एम वन देख लेते हैं, एम वन क्या होगा. देखो m की वैल्यू क्या थी, y क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई. अब इसके साथ में हम x टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, y क्यूब के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. तो देखो ये y के पावर में बीटा है और y क्यूब भी है, तो दोनों ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर m प्लस n होता है. तो यहां पर क्या हो रहे हैं, वाई टू एक्स टू द पावर अल्फा इंटू हो रहा है और वाई टू द पावर बीटा इंटू हो रहा है. क्रॉस करते हैं, वाई क्यूब है तो दोनों के बेस सेम है, तो उनके जो पावर हैं वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो बीटा प्लस थ्री हो गया ये. ठीक, उसी तरीके से अब आगे करते हैं, टू एक्स स्क्वायर अल्फा है तो एक्स टू द पावर अल्फा के साथ में इसका बेस सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर अल्फा प्लस टू इंटू बीटा टू द बाय टू द पावर बीटा प्लस वन हो जाएगा. ठीक, अब एन वन के लिए आते हैं. एन वन में आते हैं तो एन वन क्या कहता है, एन वन इज इक्वल टू टू एक्स टू द पावर अल्फा प्लस वन वाई बीटा प्लस टू माइनस एक्स टू द पावर अल्फा प्लस थ्री इंटू वाई टू द पावर बीटा हो जाएगा. नाउ हम लोग क्या देखेंगे, अब जो कंडीशन आई है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे. क्यों, क्योंकि हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए के लिए हम लोग ये कंडीशन लेके आएंगे यहाँ. फिर m1 को हमने x y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है तो वो आ गया. ठीक, n1 को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, देन फिर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x टू द पावर अल्फा इंटू y टू द पावर बीटा वी गेट. दोनों साइड को हम लोग x टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ रहा है बीटा प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू बीटा प्लस वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा प्लस वन वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब अल्फा प्लस थ्री माइनस टू बीटा माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया ये, बीटा प्लस थ्री माइनस टू अल्फा माइनस टू वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स जो थे उनको हमने सेपरेट किया, तो हमको अब इक्वेशन मिल रहा है. तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो दूसरे साइड पर एक्स स्क्वायर के टर्म्स तो है नहीं, तो वो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ठीक है, फिर वाई स्क्वायर के टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर के टर्म्स दूसरी तरफ नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू. ठीक, अब दो इक्वेशन मिल रहे हैं. अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं जिसको हिंदी में. ठीक है, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए या तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो
हम लोग इसको सॉल्व करने पे हमें बीटा इज इक्वल टू 1 मिल रहा है और अल्फा इज इक्वल टू 1 मिल रहा है. ठीक, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई हमको. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या यूज किया था हमने, एक्स टू द पावर अल्फा इंटू एक्स टू द पावर बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी. ये किस में था, एक्स टू द पावर अल्फा और वाई टू द पावर बीटा था ना, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी. कितनी, 1 1, तो कितना आया, एक्स वाई आया. अब ये एग्जैक्ट बन चुका है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में हम क्या करेंगे, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे. रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी. तो एम की वैल्यू हमने रखी, एन की वैल्यू हमने रखी दोनों की. अब यहाँ वाई कॉन्स्टेंट रहेगा और एन में क्या रहेगा, एक्स के जो टर्म्स से उसको फ्री कर दिया जाएगा. तो हम लोग देख रहे हैं एन में ये भी एक्स के टर्म में है, ये भी एक्स के टर्म में, मतलब दोनों को हमने अवॉइड करना है, तो दोनों को अवॉइड कर दिया. ठीक, अब ये जो था एक्स वाई टू पावर 4, ठीक, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होता है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होता है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 4 अपॉन 2. वाई कॉन्स्टेंट है ना, फिर ये वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट, वैसा का वैसा ले लिया, 2x³ का हो रहा है, 2 कॉमन ले लिया. x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दावर 4 अपॉन 4, ये कैंसल हो गया. हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई टू दावर 4 माइनस एक्स टू दावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टॉपिक खत्म होता है, इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो भी डाउट्स आएंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करेंगे. थैंक यू.